नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में जो आईपीएल का 12th मुकाबला खेला जाएगा और दोनों ही टीमों के स्टैट्स के ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे और हेड टू हेड कंपैरिजन करके जानेंगे जब दोनों टीम्स आपस में खेलती है तो कौन से प्लेयर परफॉर्म करते हैं, कौन से प्लेयर फ्लॉप होते हैं, कौन से प्लेयर को आपको स्मॉल लीग, सांसद, ग्रैंड लीग, मेगा कॉन्टेस्ट के अंदर पिक करना है। और एक बार फिर से आपको इस मैच में आज की क्रेडिट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम, तो कैसे आपको क्रेडिट को मेंटेन करते इस मैच की बेस्ट स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन क्रिएट करनी है और दोनों टीम की तरफ से निकल के आने काफ़ी बड़ी बड़ी स्पेशली हैदराबाद टीम की तरफ से। क्या वाशिंगटन सुंदर आज किस मैच के अंदर आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, क्या जेसन होल्डर को इस मुकाबले के अंदर खेलने का मौका मिलेगा, कौन बनाएगा इस मुकाबले में रन, कौन लेगा विकेट और कौन बन सकता है इस मुकाबले का डिफरेंशियल गेम चेंजर ट्रंप कार्ड पिक्स, किसको आपको बनानी चाहिए स्मॉल लीग के अंदर कैप्टन वाइस कैप्टन और कौन हो सकता है आपके लिए डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन फॉर ग्रैंड लीग, पूरी वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, किसी की भी टीम कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से एक अच्छी टीम बना करके शानदार इस मुकाबले के अंदर विनिंग कर सकते हो। स्टार्टिंग में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा, लिंक टेलीग्राम चैनल का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। ज्वाइन क्यों करना है, टॉस और लाइनअप के बाद इस मैच की जो फाइनल अपडेट स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग मेगा कॉन्टेस्ट की फ्री टीम्स होगी सब कुछ आपको यहां पर मिल जाएगी और आप लोग एज मेरी कल के रिजल्ट देख सकते हो, जो मुकाबला खेला गया था गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में इसका विनिंग देख सकते हो, 9 लाख से ज्यादा हमने यहां पर विनिंग किया। यही नहीं, जो दिन वाला मुकाबला खेला गया था मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में इसमें भी आप हमारी विनिंग देख सकते हो, 10 लाख प्लस अमाउंट हमने विन था और ये सिर्फ मेरी पर्सनल रिजल्ट है। और रिजल्ट अगर आप देखोगे तो देख सकते हो काफी भाइयों ने यहां पर मेगा जीएल ग्रैंड लीग सब कुछ गाइस विन किया है, यानी 99.9% हमारी प्रेडिक्शन अभी तक पूरे आईपीएल के अंदर सफल रही और काफी भाइयों ने अभी तक इस आईपीएल के अंदर बहुत सारा जीएल और मेगा जीएल विन किया है, अपने ड्रीम को पूरा किया। अगर आपका भी सपना है ग्रैंड लीग के अंदर रैंक 1 लाना, ग्रैंड लीग विन करना, तो टेलीग्राम सब जरूर से जुड़ जाएगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, यहां पर बिल्कुल फ्री में आपको स्मॉल लीग के साथ साथ ग्रैंड लीग मेगा कॉन्टेस्ट की टीम प्रोवाइड की जाती है। एनालिसिस की बात करें, 12th मुकाबला खेला जाएगा डॉक्टर देवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी मुंबई के अंदर। पिच रिपोर्ट की बात करें, उससे पहले बता दूं जिन्होंने इस वीडियो पे पहला 5 लाइक कमेंट और शेयर किया होगा वो गाइस फ्री में गिव अमाउंट विन कर चुके हैं, उन सभी भाइयों को कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप विन नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आगे आने वाले हर वीडियो में गिवे होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके जरूर से ऑल कर दीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट इस चैनल से रिगार्डिंग आपको मिलती रहे और इस मैच की फाइनल अपडेट स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग मेगा कॉन्टेस्ट की फाइनल टीम टॉस और लाइनअप के बाद मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से जुड़ जाइएगा। पिच रिपोर्ट की बात करेंगे, यूज्ड विकेट रहेगा, ऑलरेडी यहां पर 2 से 3 मुकाबले आईपीएल 2022 के खेले जा चुके हैं। जो देवाई पाटिल स्टेडियम गाइस बनी हुई है रेड सॉइल से, यहां की खासियत क्या होती है, अच्छी खासी पेस और विकेट से बाउंस देखने को मिलता है, पिच बैटिंग फ्रेंडली रहेगी, तेज गेंदबाजों के यहां पर अच्छा खासा विकेट से मदद देखने को मिलता है, जब तेज गेंदबाज नई बॉल के साथ यहां पर गेंदबाजी करते हैं तो अर्ली स्विंग मूवमेंट देखने को मिलता है जिसके कारण विकेट निकालते हैं, ड्यू फैक्टर आपके ऊपर फिर से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएगा। तो जो टीम इस मुकाबले के अंदर टॉस विन करेगी वो पहले बॉलिंग करना प्रेफर करेगी, क्योंकि दूसरी पारी के अंदर ड्यू काफी ज्यादा आ जाता है जिसके कारण से बैटिंग करना आसान हो जाता है और बॉलर्स के लिए बॉलिंग करना काफी ज्यादा टफ हो जाता है। बाउंड्री साइज ग्राउंड डायमेंशन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ की जो स्ट्रेट बाउंड्री, जो सामने वाली बाउंड्रीज आपको 75 मीटर की देखने को मिलेगी, जो स्क्वायर बाउंड्रीज ऑफ और लेग साइड की है, एक तरफ की छोटी आपको देखने को मिलेगी 66 मीटर की एंड एक तरफ की आपको बड़ी देखने को मिलेगी 78 मीटर की। तो बैट्समैन यहाँ पर छोटी बाउंड्रीज को टारगेट करेंगे तो छोटी बाउंड्रीज के कारण यहाँ पर रन अच्छे खासे बनते हैं। जो लास्ट मैच खेला गया था मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, उस मैच के अंदर भी आप देख सकते हो काफी अच्छी खासे यहाँ पर रन स्कोर हुए थे। तो दोनों ही टीमों के इंपॉर्टेंट बल्लेबाज और तेज गेंदबाज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके फैंटेसी टीम के अंदर। अभी हम बात करते हैं पेसर्स और स्पिनर्स गेंदबाज के कंपैरिजन के बारे में। खेले गए लास्ट के 6 मैच के अंदर 44 विकेट्स तेज गेंदबाजों को मिले, वहीं 29 विकेट्स स्पिनर्स गेंदबाज को मिले। अगर हम इनिंग वाइज कंपैरिजन करें तो तेज गेंदबाजों को पहले पारी के अंदर 22 विकेट्स मिले, वहीं स्पिनर्स गेंदबाज को पहले पारी के अंदर 19 विकेट्स मिले। सेकंड इनिंग्स के अंदर पेसर्स गेंदबाज को 22 विकेट्स मिले, वहीं स्पिनर्स गेंदबाज को सेकंड इनिंग्स के अंदर ओनली 10 विकेट्स मिले। तो यहां पर आमतौर पर होता क्या है, तेज गेंदबाजों को दोनों ही पारियों के अंदर बराबर की मदद देखने को मिलती है, बट स्पिनर के केस में ऐसा नहीं है। जो टीम पहले इनिंग्स के अंदर बॉलिंग करे उनके आप स्पिनर्स गेंदबाज पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। रीजन क्या है, दूसरी पारी के अंदर यहां पर डीप आ जाती है और गीली बॉल से गेंदबाजी करना स्पिनर्स गेंदबाज के लिए काफी ज्यादा टफ हो जाता है, बॉल अच्छे से हैंड के अंदर ग्रिप नहीं हो पाती है। अगर हम बात करें किस टाइप गेंदबाजों ने विकेट निकाला है, राइट आर्म फास्ट गेंदबाज को यहाँ पर 38 विकेट मिले, लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज ने 6 विकेट निकाले। स्पिनर्स गेंदबाज की बात करेंगे तो इसमें से राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर गेंदबाज ने 6 विकेट निकाले, लेग ब्रेक स्पिनर गेंदबाज ने 15 विकेट निकाले, जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव और इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहे। इवन जो लास्ट मैच खेला गया था
यूजी चहल ने वहाँ पर शानदार दो विकेट निकाले थे दूसरी पारी के अंदर। अगर पहले पारी में अगर टीम उनकी बॉलिंग करती तो वो ज़्यादा विकेट भी निकाल सकते थे, बट दूसरी पारी के अंदर यहाँ पर यूजी चहल यानी यूजी चहल लेग ब्रेक स्पिन बॉलिंग करते उन्होंने विकेट निकाले। तो लेग ब्रेक स्पिनर गेंदबाज आपके फैंटेसी टीम में जरूर से होने चाहिए, स्पेशली पहले बॉलिंग करे तो, और अगर क्वालिटी स्पिनर गेंदबाज लाइक यूजी चहल तो दूसरी पारी में विकेट यहाँ पर निकाल सकता है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर गेंदबाज ने 8 विकेट निकाले और लेफ्ट आर्म चेनमैन गेंदबाज यहाँ पर विकेट लेस रहे। अगर हम बात करेंगे पर्टिकुलर लास्ट मुकाबले की जो कि खेला गया था एमआई और आरआर के बीच में, इस मैच के अंदर 11 विकेट्स तेज गेंदबाजों को मिले थे और महज 3 विकेट सिर्फ स्पिनर्स गेंदबाज को मिले थे। वेदर रिपोर्ट की बात करेंगे, क्लियर स्काई सनी वेदर है, बारिश के इस मुकाबले के अंदर बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। अभी हम बात करते हैं वेन्यू रिपोर्ट के बारे में। T20 डोमेस्टिक के अंदर टोटल 10 मैच यहाँ पर खेले गए, बैटिंग फर्स्ट 2 मैच जीती, बैटिंग सेकंड 8 मैच जीती। यहाँ पर कहीं ना कहीं चेजिंग टीम को एडवांटेज रहेगा, मोस्ट ऑफ द मैचेस के अंदर यहाँ पर चेज करने वाली टीम ही जीती है, तो जो टॉस जीतेगी उसके जीतने की थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। हालांकि जो लास्ट मैच खेला गया था उसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती थी जोस बटलर के सेंचुरी के कारण, क्योंकि बहुत ज्यादा स्कोर बन गया था और मुंबई इंडियंस का अर्ली विकेट्स गिर गए थे। यहाँ की एवरेज पोस्टिंग स्कोर की बात करें तो 160 है, तो काफी एक डिसेंट सर्फेस है बैटिंग के लिए, तो अगेन बैट्समैन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर यहाँ पर नई पिच यूज की जाती है तो और भी ज्यादा गाइस यहाँ पर बैट्समैन इंपॉर्टेंट रहेंगे, इस चीज का ध्यान में रख करके चलिएगा। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें जो टोटल में यहाँ पर 10 मुकाबले खेले गए, इन 10 मुकाबले के अंदर 150 से कम रन 6 बार बने, 150 और 170 के बीच में एक बार स्कोर बने, 170 और 190 के बीच में एक बार स्कोर बने और 190 प्लस यहाँ पर दो बार स्कोर बने हुए हैं। हेड टू रिकॉर्ड्स की बात करेंगे, दोनों टीमों के बीच में अभी तक कोई भी हेड टू मुकाबला नहीं खेला गया। टीम न्यूज़ की बात करें, हैदराबाद टीम की तरफ से एक ही न्यूज़ है जो कि शीन अबॉट को लेकर के है, वो नेशनल ड्यूटी पर खेलते नजर अभी नहीं आएंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स टीम की तरफ से अगर हम बात करेंगे तो जेसन होल्डर और काइल मिर्स दोनों ही अवेलेबल है और यहाँ पर गाइस स्क्वाड के साथ जुड़ चुके हैं और मोस्ट प्रोबेबली जेसन होल्डर आपको आज का मैच खेलते हुए जरूर दिखेंगे। मार्कोट की अगर हम बात करेंगे, मार्कोट गाइस इंजर्ड है और इंजर्ड होने के साथ साथ इनके प्लेस पे एंड्रू टाई को रिप्लेसमेंट के लिए शामिल किया गया है स्क्वाड में, और एंड्रू टाई ने आपको लास्ट मैच के अंदर खेलते हुए दिखे तो शानदार 2 विकेट निकाले थे, हमारे डिफरेंशियल पिक रहे थे और सिलेक्शन काफी तक कम थे, हमने वन साइडेड क्लीन स्वीप किया था स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग के अंदर। अभी हम बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के फुल स्टैट्स प्लस इन्फो के बारे में। यहां से आपको लोकेश राहुल टीम की तरफ से ओपनिंग करते नजर आएंगे, कैप्टेंसी भी करेंगे। हेड टू हेड के अंदर 10 मैच के अंदर 36 की एवरेज से 325 रन की काफी ज्यादा अमेजिंग रिकॉर्ड रहा है, काफी कंसिस्टेंट प्लेयर है, अपनी कंसिस्टेंसी के लिए जाने जाते हैं और आईपीएल के अंदर पिछले 2-3 सीजन उठा करके देख लो टॉप स्कोरर में से इनका एक नाम रहा है और लास्ट मैच के अंदर भी आप देख सकते हो 40 के स्कोर करके आ रहे, इंपॉर्टेंट रहेंगे और आप इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन अपनी टीम का बना सकते हो। क्विंटन डी कॉक की बात करेंगे, टीम की तरफ से ओपनिंग प्लस विकेट कीपिंग करता आपको नजर आएंगे, इनका भी रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हैदराबाद किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद किंग्स खेलना पसंद करते हैं, 10 मैच के अंदर 371 रन किए, 41 की एवरेज, तो मुझे लगता है दोनों ही आपके लिए टॉप ऑर्डर बल्लेबाज इंपॉर्टेंट रहेंगे। और एक टीम आप ऐसे क्रिएट कीजिएगा, अगर मान लो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम चेज कर रही है दूसरी पारी में बैटिंग करेगी तो आप यहां पर कैप्टन वाइस कैप्टन इन दो प्लेयर्स को 1-2 टीम में जरूर से दे सकते हो, हो सके यही दोनों बल्लेबाज मुकाबले को चेज कर दे और जिता दे अपनी टीम को। यहाँ पे क्विंटन डी कॉक की रीसेंट फॉर्म देख सकते हो, अच्छा रहा, लास्ट मैच के अंदर 61 के स्कोर करके आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। मनीष पांडे इस मुकाबले के डिफरेंशियल गेम चेंजर पिक है, काफी कम सिलेक्शन आपको दिखेगा, बैटिंग सेक्शन में नजर आएंगे आपको 38 का एवरेज रहा है अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद। पहले आपको पता होगा गाइस ये यहाँ पर हैदराबाद के लिए भी काफ़ी सारा मुकाबला इन्होंने खेले हैं, ठीक है, और इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रही है। हैदराबाद के अगेंस्ट खेलना पसंद करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता है। 11 मैच के अंदर 305 रन की 38 की एवरेज से, और इस वेन्यू पे अगर बात करें तो 5 मैच के अंदर 113 रन की 23 की एवरेज से। रीसेंट फॉर्म पहला 2 IPL मैच अगर हटा दो तो उससे पहले डोमेस्टिक के अंदर इनकी रिकॉर्ड अच्छी रही, आप खुद भी देख सकते हो 2-3 सेंचुरी लगा करके आ रहे हैं, काफ़ी टाइम नट आउट रहे हैं। हालांकि इन 2 मैच के अंदर इनको स्टार्ट अच्छा मिला बट उसको बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो आज के इस मुकाबले के अंदर डिफरेंशियल गेम चेंजर पे एक मनीष पांडे रहेंगे। एमिल लेविस आपको नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते नजर आएंगे, इस प्लेयर को आप लोग आज के इस मुकाबले के अंदर ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। क्यों ड्रॉप करना है, क्योंकि इसकी सिलेक्शन बहुत ज्यादा हाई मिलेगी और काफी जनता लगभग 20-30% इसको अपनी टीम का कप्तान वाइस कप्तान भी ट्राई करेगी, बट इस मुकाबले में आप इनको स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में से ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, स्पेशली मैं बोलूंगा ग्रैंड लीग में तो जरूर ड्रॉप कीजिएगा इनको। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, काफी ज्यादा स्ट्रगल रहा अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद, 5 मैच के अंदर 13 के एवरेज से 63 रन किए। इसके अलावा अगर आप देखोगे इनकी रिकॉर्ड रीसेंट फॉर्म अच्छी रही है, पहले IPL मैच के अंदर 10 रन, दूसरे मुकाबले के अंदर 55 नट आउट के स्कोर करके आ रहे हैं। दीपक हुड्डा अपनी टीम की तरफ से नंबर 5 पर बल्लेबाजी करेंगे, परफॉर्मेंस की बात करें हेड टू हेड के अंदर 5 मैच के अंदर 33 रन की अगेंस्ट हैदराबाद, रीसेंट फॉर्म इनकी अच्छी रही है, लास्ट मैच के अंदर 13 रन बल्ले से गेंदबाजी के अंदर एक ओवर की बॉलिंग की बट कोई विकेट इनको नहीं मिला, उससे पहले वाले मैच में इन्होंने काफी कमाल का परफॉर्मेंस किया। तो सिंपल सा एक आंसर है, अगर यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम पहले पारी में बैटिंग करेगी दीपक हुड्डा इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम लास्ट मैच की तरफ फिर से यहां पर सेकंड इनिंग्स के अंदर बल्लेबाजी करती है तो आप दीपक हुड्डा को फिर से अपनी टीम से ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। लास्ट मैच में हमने ट्राई ही नहीं किया था, काफी लोगों के कैप्टन वाइस कैप्टन थे और हमारे स्मॉल लीग टीम भी नहीं थे और हम लोगों ने इसी स्ट्रेटेजी का यूज कर ग्रैंड लीग जीता था, ठीक है। आयुष बदौनी की बात करेंगे, लास्ट मैच के अंदर हमने इनको भी ट्राई नहीं किया था क्योंकि गाइस मुझे पता था
यहाँ पर गाइस सेकंड में अगर बैटिंग करेगी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम तो इनकी बैटिंग आने की चांसेस काफी कम रहेगी। इनकी अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे डोमेस्टिक के अंदर अमेजिंग रिकॉर्ड रहा, चाहे T20 हो, फर्स्ट क्लास हो, लिस्ट हो या फिर डोमेस्टिक T20 ओवरऑल, रीसेंट फॉर्म इनकी बेहतरीन रही है। और अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम फिर से इस बार पहले पारी के अंदर बैटिंग करती है तो आपके लिए दीपक हुड्डा प्लस आयुष बदोनी दोनों यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहले मैच के अंदर 54 के स्कोर के, दूसरे मैच के अंदर 19 नॉट आउट के स्कोर के। प्रतिभाशाली खिलाड़ी, काफी अच्छा टैलेंट है और इनफॉर्म प्लेयर है, ठीक है, इसको मौका मिलेगा तो स्कोर करेगा। तो लेकिन पहले पारी में अगर बैटिंग करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स तभी ट्राई कीजिएगा, दूसरी पारी में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। देखो प्लेयर वाइज इंपॉर्टेंट है बट चांसेस कम मिलेंगे, ठीक है। कृणाल पांडे की बात करेंगे, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलिंग, लेफ्ट आर्म बैटिंग करते हैं। हेड टू हेड के अंदर 11 मैच खेले अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद, 189 रन किए, 27 की बैटिंग एवरेज से और 4 विकेट्स इन्होंने यहां से निकाले हैं। रीसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे फर्स्ट आईपीएल मैच के अंदर 21 नॉट आउट प्लस 1 विकेट 4 ओवर की बॉलिंग एंड सेकंड मैच के अंदर 0 विकेट 3 ओवर की बॉलिंग। इनको कब ट्राई करोगे, जब टॉप ऑर्डर में से आप एटलीस्ट 2 बल्लेबाज को ड्रॉप करोगे तो ही आप इनको अपनी टीम में पिक करके चलना। और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम पहले पारी में बॉलिंग कर रही हो, क्योंकि दूसरी पारी में स्पिनर्स के लिए ज्यादा यहां पर हेल्प है नहीं तो इनको ज्यादा यहां पर मौका मिलेगा नहीं विकेट चटकाने का। एंड्रू टाई की बात करेंगे, राइट और मीडियम फास्ट बॉलिंग करेंगे, स्पेशली आपके लिए पहले पारी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला भी था पूरी मैच उठाकर देख लो विकेट नहीं मिला, लेकिन जो लास्ट ओवर इन्होंने किया तो वहां पर शानदार इन्होंने 2 विकेट निकाले थे। और गाइस ये डेथ में बॉलिंग करते हैं जहां पर विकेट गिरने की चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम फिर से पहले बॉलिंग करती है तो आप अपने टीम के इनको वाइस कप्तान भी बना सकते हो। हेड टू हेड के अंदर 2 मैच में 2 विकेट निकाले अगेंस्ट हैदराबाद, रीसेंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा अच्छा है और पहले आईपीएल मैच के अंदर शानदार 2 विकेट निकाल करके आ रहे हैं। दुष्मांता चमेरा की बात करेंगे, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करते हैं। इनका मैं जहां तक ट्रेंड देख पाया हूं ये दूसरी पारी के अंदर ज्यादा अच्छे से बॉलिंग करते पहले पारी के कंपैरिजन में, ठीक है। ये दूसरी पारी में इनके रिकॉर्ड अच्छे रहे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करती है तो आप दुष्मांता चमेरा को अपनी टीम में रखिएगा, पहले बॉलिंग करें तो आप इनको ड्रॉप करने का फिर से एक बार रिस्क ले सकते हो। लास्ट मैच में हमने इनको ट्राई ही नहीं किया था, ठीक है, हमने इनके प्लेस पर ट्राई को ट्राई किया जिन्होंने परफॉर्मेंस करके आपको दिखा दिया कमाल की परफॉर्मेंस और हमने ग्रैंड लीग तक जीता था। रीसेंट फॉर्म इनकी अच्छी रही, नो डाउट, पहले आईपीएल मैच में 2 विकेट निकाले थे, 3 ओवर की बॉलिंग करा करके 1 नॉट आउट स्कोर किए और लास्ट मैच के अंदर काफी मार पड़ी, विकेट नहीं ले पाए, कैचेज भी काफी ड्रॉप किए थे फील्डिंग के अंदर। आवेश खान की बात करेंगे, हेड टू हेड के अंदर 4 मैच में 3 विकेट है, रीसेंट फॉर्म आप इनका देख सकते हो, रीसेंट फॉर्म इनका काफी ज्यादा अच्छा रहा। आईपीएल 2022 अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो पहले दोनों ही मैच के अंदर विकेट निकाले, स्पेशली पहले पारी में ज्यादा इंपॉर्टेंट, आवेश खान पहले पारी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नई बॉल के साथ गेंदबाजी, डेथ में गेंदबाजी करते हैं और आपको पूरे अपने स्पेल के 4 ओवर कंप्लीट गेंदबाजी करते नजर आएंगे। रवि बिश्नोई की बात करें गाइस, ये गेंदबाज आपके लिए दोनों पारी के अंदर इंपॉर्टेंट है, ये मतलब चहल टाइप गेंदबाज है, मतलब इसके अंदर क्वालिटी है, चाहे ड्यू फैक्टर हो या फिर कुछ भी हो, ये दूसरी पारी में विकेट निकालने का दमखम रखता है। देख सकते हो हेड टू हेड के अंदर रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, हैदराबाद के सामने 3 मैच के अंदर 7 विकेट निकाला है, तो इस प्लेयर को अपनी टीम को वाइस कप्तान ट्राई कर सकते हो। इस मैच के अंदर पहले बॉलिंग करता है, फर्स्ट बॉलिंग करे तो वाइस कैप्टन, सेकंड अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम बॉल करती है तो एज अ प्लेयर जरूर कंसिडर कीजिएगा, काफी टैलेंटेड प्लेयर है। पहले मैच के अंदर कोई विकेट नहीं मिला लेकिन लास्ट मैच के अंदर सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल रहे थे और सबसे बेहतरीन गेंदबाजी किए थे, 4 ओवर में शानदार 2 विकेट निकाले थे। इसके अलावा अगर बेंच से कोई प्लेयर खेलते हैं तो हर एक प्लेयर का आपको डिटेल स्टैट्स रिकॉर्ड्स टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लिंक टेलीग्राम का आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से वहां पर आप जुड़ जाइएगा। ओपनर बॉलर आवेश खान, एंड्रू टाई, दुष्मांता चमेरा होंगे, डेथ बॉलर आवेश खान, दुष्मांता चमेरा और एंड्रू टाई होंगे। अभी हम बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद टीम के फुल स्टैट्स प्लस इन्फो के बारे में। उससे पहले आपको मैं बता दूं एक कमाल की एप्लीकेशन गेमजी के बारे में, अगर आप अभी तक गेमजी ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो लिंक और रेफर कोड डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डाउनलोड करके खेलना है, स्टार्ट कीजिए, काफी जबरदस्त और बेस्ट एप्लीकेशन है मार्केट के अंदर। आईफोन जीतने का आपके पास प्रत्येक वीक में मौका रहेगा, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, ज्यादा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कीजिए, बाकी कुछ आपको करना नहीं और आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। इसके अलावा यहाँ पर चल रहे हैं 100% डिपॉजिट कैश बोनस ऑफर, सपोज मान लो अगर आप यहाँ पर 15,000 डिपॉजिट करते हो तो आपको 15,000 बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी ये हो गए 30,000, इसके ऊपर आपको 250 रियल कैश देखने को मिलेगा। तो बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन, आपको काफी अच्छी अच्छी ऑफर्स यहाँ पर दे रही है और डेली 5 करोड़ तक आप यहाँ पर विन कर सकते हो आईपीएल के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर चल रहे हैं लीडर बोर्ड जिसमें गाइज आप यहाँ पर पार्टिसिपेट करके 2 करोड़ से ज्यादा की भी विनिंग आप कर सकते हो। तो देर किस बात की, ऐप का लिंक और रेफर कोड वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर खेलना स्टार्ट कीजिए। यहाँ से आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे अभिषेक शर्मा जो कि लेफ्ट आर्म बैटिंग, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलिंग करते हैं। परफॉर्मेंस की बात करेंगे, पहले आईपीएल मैच के अंदर 9 रन बल्ले से गेंदबाजी के अंदर 0 विकेट 1 ओवर की बॉलिंग की, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं दिख रहे थे, काफी ज्यादा स्ट्रगल इन्होंने पहले मुकाबले के अंदर किया था। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभिषेक शर्मा के प्लेस पे वाशिंगटन सुंदर से यहाँ पे ओपनिंग कराया जा सकता है इस मुकाबले के अंदर, ये चीज भी आपको होती हुई नजर आएगी। और जब ये चीज होगी तो आपको मैं इस बार अपडेट टॉस के बाद टेलीग्राम पर जरूर दूंगा, तो टेलीग्राम इस कंडीशन में काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और हम लोग वाशिंगटन सुंदर को कैप्टन वाइस कैप्टन भी कंसिडर कर सकते हो। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हालांकि अगर बात करें यहां पर रीसेंट फॉर्म की अभिषेक शर्मा की, तो रीसेंट फॉर्म इनकी ठीक ठाक रही है, आप यहां पर देख सकते हो प्रैक्टिस में भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस इनसे देखने को मिला। लिस्ट एक अंदर 31 के एवरेज है, T20 के अंदर 25 के एवरेज है, बट गाइस ये आईपीएल यहां पर थोड़ी सी आपके अंदर क्वालिटी जरूर होनी चाहिए, थोड़ी यूनिकनेस होनी चाहिए, तब आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। देखो अगर ओपनिंग करेंगे तो फिर से मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप एक आधी टीम में ट्राई इनको कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर यहां पर अगर नीचे बल्लेबाजी करेंगे तब तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। केन विलियमसन की बात करेंगे, टीम की तरफ से ओपनिंग कैप्टनसी करता नजर आएंगे, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ये प्लेयर इंपॉर्टेंट है।
रीसेंट फॉर्म इनकी अच्छी रही है, हालांकि लास्ट मुकाबले के अंदर ये जल्दी आउट हो गए सिर्फ 2 रन बना करके। आप कमेंट करके बताओ जो लास्ट मैच में ये आउट हुए थे, देवदत्त पड्डीकल इनका कैच पकड़ा था राजस्थान के अगेंस्ट, तो गाइज क्या ये आउट थे या फिर नट आउट थे? मेरे हिसाब से ये नट आउट थे, बॉल बाउंस कर गई थी, ठीक है, नट आउट थे मेरे हिसाब से। आप अपना ओपिनियन इनके ऊपर दे सकते हो, अच्छे प्लेयर टेक्निकली साउंड बल्लेबाज है, फैप फोर का हिस्सा है, तो ये प्लेयर इंपॉर्टेंट भी रहेंगे और आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस भी यहां से रहेंगे। राहुल त्रिपाठी की बात करेंगे नंबर 3 पर, बल्लेबाजी करेंगे। अगर हम बात करें पहले मैच के अंदर डक आउट हो गए, लेकिन गाइज यहां से बताना चाहूंगा रिसेंटली इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस किया था प्रैक्टिस मैच के अंदर भी, और यहां पे अगर आप देखोगे तो आपके लिए ग्रैंड लीग के एक अच्छे प्लेयर, ग्रैंड लीग में आप इनको एज अ प्लेयर कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करें, प्रॉपर मौका मिलेगा। नंबर 4 पर आपको बल्लेबाजी करते नजर आएगा निकलस पुरन। अब देखो निकलस पुरन लास्ट मुकाबले के अंदर यहां पर काफी मतलब गलत शॉट खेल करके आउट स्वीप करते हुए LBW आउट हो गए थे। रीसेंट फॉर्म इनकी अच्छी थी, इंडिया वाले सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंस की, उससे पहले वाले सीरीज में अच्छे टच में दिख रहे थे, लेकिन पहले मैच के अंदर डक पे यहां पर आउट हो गए, ठीक है। ये चीज यहां पर थोड़ा ध्यान में रखकर चलिएगा, लेकिन प्लेयर दोनों ही इंपॉर्टेंट है, राहुल त्रिपाठी एंड निकलस पुरन, ठीक है। एडन मार्करम की बात करेंगे नंबर 5 पर, अपनी टीम की तरफ से बल्लेबाजी करते नजर आएंगे, राइट हैंड बैटिंग, राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिन बॉलिंग करते हैं। रीसेंट फॉर्म इनकी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रहा है, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी, बॉलिंग आपको कुछ ओवर की करके इस मैच में देख सकते हैं। और पहले IPL मैच के अंदर इन्होंने 57 नट आउट के यहाँ पर स्कोर किया था, और मुझे इस मैच में पॉसिबिलिटी लगती है कि एडन मार्करम आपको 2 ओवर के आसपास बॉलिंग करके देंगे। रीजन क्या, सामने वाली टीम में आपको काफी सारे लेफ्ट हैंडर यहाँ पर टॉप ऑर्डर के अंदर दिख जाएंगे, तो ये प्लेयर आपके लिए गेम चेंजर प्लेयर फिर से बन सकता है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। सब कोई तो ट्राई करेगा बट प्लेयर के तौर पर, बट आप कप्तान वाइस कप्तान इनको दे सकते हो। अब्दुल चमत की बात करेंगे, देखो इसके बारे में हम क्या बताऊं, इसको प्रॉपर बहुत सारा मौका मिला बट उसको अच्छे से भुना नहीं पाया। आता है एक आधी बड़ी हिट लगाता है, उसके बाद आउट हो जाता है, मतलब कुछ भी रिस्पॉन्सिबल होकर के प्लेयर नहीं खेलता है, ठीक है। और रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे तो वैसे ही रहा है, स्टार्ट अच्छा मिला, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाया है। T20 के अंदर 28 एवरेज है, लिस्ट एक अंदर 21 का एवरेज, इनसे मुझे ज्यादा उम्मीद यहां से है नहीं। रोमारियो शेफर्ड की बात करते हैं, राइट हैंड बैटिंग, राइट मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं। परफॉर्मेंस की बात करेंगे, पहले IPL मैच के अंदर 24 बल्ले से गेंदबाजी के अंदर शानदार, एक विकेट निकाले थे, 4 ओवर की बॉलिंग करके अच्छी खासी हिटिंग भी कर लेते, बॉलिंग से पूरे अपने स्पेल के 4 ओवर बॉलिंग करके देंगे, तो ये पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। T20I के स्टैट्स बेहतर है, ODI रीसेंट फॉर्म इनकी ठीक ठाक यहां से रही है। वाशिंगटन सुंदर की बात करेंगे, मुझे लगता है इस मुकाबले के अंदर इनसे ओपनिंग कराना चाहिए, जिस तरीके का परफॉर्मेंस करते, हिटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है और डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर अपनी टीम की तरफ से ओपनिंग करते हैं, ठीक है। यहां भी ओपनिंग करते देख सकते हैं अभिषेक शर्मा के प्लेस पे, लास्ट मैच के अंदर 40 रन बल्ले से क्या कमाल के छक्के लगा रहे थे शॉर्ट बॉल पे, ठीक है। और 3 ओवर की बॉलिंग भी खेला कि बॉलिंग में मार खाए, लेकिन उसका बदला इन्होंने बैटिंग में करके निकाल लिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेंगे और ओपनिंग करते हैं तो कप्तान वाइस कप्तान के लिए एक अच्छी चॉइस आपके यहां से रहेंगे, रीसेंट फॉर्म इनके अच्छी रही है। भुवनेश्वर कुमार की बात करेंगे, पहले मैच के अंदर 3 नट आउट बल्ले से गेंदबाजी के अंदर, एक विकेट बहुत अच्छी गेंदबाजी इन्होंने किया था, नई बॉल के साथ बॉलिंग करेंगे, डेथ में गेंदबाजी करेंगे, विकेट लेने के हमेशा इनके पास चांसेस रहेंगे। इस ग्राउंड पर 2 मैच खेले, 1 विकेट निकाले, रीसेंट फॉर्म इनकी ठीक ठाक रही है। टी नटराजन की बात करते हैं, हमारे पहले मैच के गेम चेंजर प्लेयर सिलेक्शन बहुत कम था, आप जाकर भी देख सकते हो, ये ग्रैंड लीग जिताने में हमारे काफी हेल्प किए थे। अभी तक IPL के 9-10 मैच हो चुके हैं, एक मैच को छोड़कर बाकी सभी मैच में गाइस हमारी स्मॉल लीग की टीम ने जीएल और मेगा जीएल तक अच्छी रैंक लाई, और ग्रैंड लीग और मिनी जीएल तो बहुत सारे विन हुए, ठीक है। प्रूफ आपको बकायदा टेलीग्राम पे, वहां पे जुड़ के आप देख सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो टी नटराजन अगर यहां पर हैदराबाद की टीम पहले बॉलिंग करती है पहले पारी में तो फिर से इंपॉर्टेंट रहेंगे, दूसरी पारी बॉलिंग करते तो ड्रॉप करके रिस्क ले सकते हो, बट पहले पारी में इंपॉर्टेंट रहेंगे, डेथ में आप एटलीस्ट 2 ओवर की बॉलिंग करके देंगे, और लास्ट मैच में शानदार 2 विकेट निकाल के रहे, 4 ओवर की कंप्लीट बॉलिंग के, रीसेंट फॉर्म इनकी ठीक ठाक है। उमरान मलिक की बात करते राइट फास्ट बॉलिंग करते, ये भी हमारे एक डिफरेंशियल पिक थे और इनके अंदर पोटेंशियल काफी अच्छी खासी है, तेज गति से गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते, लास्ट मैच में पूरे 4 ओवर कंप्लीट के 2 शानदार विकेट निकाले, और इनके रिकॉर्ड गाइस यहां पर रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छा रहा, प्रैक्टिस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। बेंच से अगर कोई प्लेयर खेलते हैं तो उनकी फुल स्टैट्स प्लस इनको टॉस और लाइनअप के बाद आपके साथ शेयर किया जाएगा टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओपनर बॉलर भुवनेश्वर कुमार, वाशिंगटन सुंदर, उमरान मलिक, रोमारियो शेफर्ड होंगे। डेथ बॉलर भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और उमरान मलिक होंगे। अभी हम बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस के बारे में, उससे पहले बता दूं क्वेश्चन गिवे के बारे में, आपको सिंपली बताना है आज के इस मैच के अंदर केन विलियमसन कितने रन स्कोर करेंगे, ठीक है। जितने भाइयों का आंसर सही होगा उन सभी को 100 रुपये करके पेटीएम कैश यहाँ पर मिलेंगे, और जो विनर लिस्ट अनाउंस होगा वो टेलीग्राम पर होगा, प्लस टॉस के बाद सभी अपडेट्स स्मॉल लीग ग्रैंड लीग की फाइनल टीम्स आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो जल्द से जल्द आप यहाँ पर जुड़ जाए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। स्मॉल लीग के अंदर हम बात करें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की, लोकेश राहुल, केन विलियमसन, क्विंटन डिकॉक, एबी लेविस। ग्रैंड लीग के अंदर एडन मार्करम बहुत अच्छी चॉइस है, एंड्रयू टाई पहले बॉलिंग करे तो आवेश खान, जेसन होल्डर खेलेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। इनको तो आप स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो, रवि बिश्नोई आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे पहले बार बॉलिंग करे तो, और मनीष पांडे एक और अच्छी चॉइस जिनको मेगा जेल वगैरह में आप ट्राई कर सकते हो। विकेट कीपर सेक्शन से बात करें, यहाँ से 3 प्लेयर्स खेलते आपको दिख जाएंगे। फिलहाल की टीम में केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक को ट्राई करके चल रहा है, दोनों ही प्लेयर अपनी टीम की तरफ से ओपनिंग करेंगे। निकलस पुरन के एक और शानदार ऑप्शन, आप इनको अपनी टीम के अंदर ट्राई कर सकते हो, एक गेंदबाज या फिर एक ऑलराउंडर्स को ड्रॉप करके। बैटिंग सेक्शन से बात करेंगे, केएन विलियमसन मस्ट है पिक आज के इस मुकाबले के अंदर, राहुल त्रिपाठी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, मनीष पांडे के हमने ट्राई किया जो कि हमारे डिफरेंशियल गेम चेंजर पिक है। अगर आपको बिल्कुल सेफ जाना आप अपनी टीम के अंदर इनके प्लेस पर एबिन लेविस को ट्राई कर सकते, जिनको फिलहाल अपनी टीम में ट्राई नहीं कर रहा हूं। इसके अलावा अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम फर्स्ट बैटिंग करती पहले पारी में, तो ये 2 बल्लेबाज इंपॉर्टेंट हो जाएंगे
आयुष बदौनी एंड दीपक हुड्डा, दोनों पर जरूर से नजर रखेगा। लेकिन अगर लास्ट मुकाबले की तरफ फिर से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम दूसरी पारी में बैटिंग करेगी तो मैं फिर से इनको ट्राई नहीं करूंगा, लेकिन फर्स्ट पारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई खास यहाँ से ऑप्शन है नहीं। ऑलराउंडर सेक्शन से एडन मार्क इंपॉर्टेंट रहेंगे, ग्रैंड लीग और कप्तान विश कप्तान जरूर इनको ट्राई कीजिएगा। होल्डर खेलेंगे तो मेरे मस्ट है पिक होंगे और इनको मैं स्मॉल लीग में एटलीस्ट वाइस कैप्टन जरूर रखूंगा। इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर को मैं ट्राई करते चलूँ, जो कि मेरे डिफरेंशियल पिक, मुझे लगता है इस मुकाबले में ओपनिंग करेंगे और प्लस आपको पूरे चार ओवर कंप्लीट करके गेंदबाजी देंगे और सामने वाली टीम में काफी सारे आपको लेफ्ट हैंडर बैट्समैन मिलेंगे तो ये गेंदबाजी भी आपको पूरे करके दे सकते हैं। इसके अलावा रोमारियो शेफर्ड, जब हैदराबाद की टीम पहले पारी में यहाँ पे बॉलिंग करे तो इनको जरूर ट्राई कीजिएगा, डेथ में आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। कृणाल पांडे पहले पारी में इंपॉर्टेंट रहेंगे, जब इनकी टीम पहले बॉलिंग करे तो ट्राई कर सकते हो। अभिषेक शर्मा अगर ओपनिंग करे तो ही ट्राई करना, ओपनिंग नहीं करेगा तो इनको ट्राई नहीं करना। टॉस के बाद इसके बारे में अपडेट मैं टेलीग्राम पर जरूर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जुड़ जाना। बॉलिंग सेक्शन से आवेश खान, रवि बिश्नोई, एंड्रयू ट्राई तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर आवेश खान पहले पारी बॉलिंग नहीं करेंगे तो मैं इनके प्लेस या तो उमरान मलिक और नहीं तो यहां से भुवनेश्वर कुमार को अपनी टीम में पिक करूंगा। बाकी बिश्नोई और ट्राई मेरे दोनों मस्ट है पिक है। इसके अलावा टीना ट्राजन को मैं ट्राई करके चल रहा हूँ, ठीक है, अपने टीम के अंदर या अपनी टीम की तरफ से डेथ में गेंदबाजी करते दिखेंगे। दुष्मांता चमेरा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, कब, दूसरी पारी के अंदर, जब इनकी टीम दूसरी पारी में बॉलिंग करे तब इनको ट्राई कर सकते हो, दूसरी पारी में अच्छी गेंदबाजी करते पहले पारी कंपेरिजन में। फिलहाल के लिए मेरी डेमो टीम है, कैप्टन है मेरे केएल राहुल, वाइस कैप्टन केन विलियमसन को ट्राई करके चल रहा हूँ। अदर चॉइस की बात करें स्मॉल लीग के अंदर क्विंटन डिकॉक को ट्राई कर सकते हो, एडन मार्करम को ट्राई कर सकते हो, चार सबसे बेस्ट ऑप्शन आएंगे स्मॉल लीग के अंदर सीवीसी के लिए। ग्रैंड लीग के अंदर बात करेंगे तो यहाँ से मनीष पांडे कुछ अच्छा ऑप्शन लग रहा है जिसको आप ट्राई इस मैच में कर सकते हो। इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर अगर ओपनिंग करते हैं तो देन बॉलिंग सेक्शन में एंड्रयू ट्राई अगर पहले बॉलिंग करे तो, और रवि बिश्नोई आपके लिए अच्छी चॉइस होंगी अगर ये भी पहले बॉलिंग करते हैं। इस मैच की जो फाइनल टीम होगी टॉस और लाइनअप के बाद स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग मेगा कॉन्टेस्ट की आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और टेलीग्राम से जरूर सब जुड़ जाएगा, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा।